हेलो स्टूडेंट, तो आज की क्लास स्टार्ट होती है और आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका कंपलसरी पेपर है बाल विकास, उसमें जो पिछले क्लास में बताया था बुद्धि, बुद्धि की परिभाषा के बारे में आपको बताया था और बुद्धि की विशेषताओं के बारे में बताया था, और ये बताने का प्रयास किया था कि बुद्धि किस तरह से अधिगम प्रक्रिया को बड़ी शीघ्रता से संपन्न करने में बालक की मदद करती है। यानी जिसकी बुद्धि जितनी तीव्रता से काम करेगी वह किसी भी कार्य को सीखने में, समझने में आसानी होगा, कठिनाइयों को दूर करने में, समस्याओं को हल करने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जो आज का टॉपिक है वह है बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार में आइए शुरू करते हैं। बुद्धि के तीन प्रकार होते हैं। पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि और थर्ड पॉइंट है सामाजिक बुद्धि। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? बुद्धि तीन प्रकार की होती है। आते पहले में अमूर्त बुद्धि, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार, या यूं कहें कि जब बालक विद्यालय के अंदर पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं। वो कैसे? जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं तो पाठ से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, उसको हम सिर्फ अनुभव करते हैं। अगर किसी पात्र का जिक्र आता है, किसी व्यक्ति का जिक्र आता है, किसी जानवर का जिक्र आता है, किसी वस्तु का जिक्र आता है, तो उसका प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है और उसको हम कहीं ना कहीं कल्पना करते हैं। तो इसको कहते हैं अमूर्त बुद्धि, यानी जिस चीज का आकार हमें दिखाई ना दे उसे हम कहते हैं अमूर्त बुद्धि। यानी अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है वह विद्यालय के शिक्षा को पाने में सक्षम होता है और अपने जीविकोपार्जन को पूरा करने में सक्षम होता है। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और अमूर्त प्रश्नों चिंतन, तर्क और मनन के द्वारा हल करना ही अमूर्त बुद्धि कहलाता है। अमूर्त बुद्धि स्वयं ज्ञानोपार्जन के प्रति रुझान है, एक तरह से पढ़ने लिखने के लिए आगे की ओर प्रेरित करती है, अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने के लिए अमूर्त बुद्धि होती है। कहीं ना कहीं शब्दों और प्रतीकों के माध्यम से हम समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जो अमूर्त बुद्धि है वह कहीं ना कहीं बालक की श्रेष्ठता को अधिक सिद्ध करती है। क्योंकि अमूर्त बुद्धि का जो बालक होता है उसकी कल्पना शक्ति, सृजनशीलता कहीं ज्यादा होती है मूर्त बुद्धि के अपेक्षा। यानी अमूर्त बुद्धि का जो व्यक्ति होता है वह अधिक श्रेष्ठ होता है कल्पनाशील में, चिंतन में और सृजनशीलता में। तो इस प्रकार के जो लोग पाए जाते हैं उनमें कलाकृति अच्छे से कर लेते हैं, वह किसी साहित्यकार, चित्रकार बिना देखे किसी चीज को कल्पना करता है और एक पेंटिंग बनाता है, तो पेंटिंग के जरिए लगता है कि बिल्कुल सजीव, जिसे उसने आंखों देखा यह हाल बिल्कुल वर्णन कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमूर्त बुद्धि जो होता है वह बालकों की श्रेष्ठता को दर्शाता है, अर्थात अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए कल्पनाशील शक्ति के द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का प्रयास करता है, जिसे हम अमूर्त बुद्धि कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। विद्यालय में जिस तरह से हम पढ़ते हैं, जैसे भूगोल की बातें होती हैं, कभी हम पर्वतों की बातें करते हैं, कभी मौसम की बातें करते हैं, तो आपके अंदर एक कल्पना हो जाती है कि मौसम ऐसा होता है, पेड़ ऐसे होते हैं, वातावरण ऐसा होता है, इसको बोलते हैं अमूर्त बुद्धि। यानी अमूर्त बुद्धि के द्वारा बालक का पुस्तकीय ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मूर्त बुद्धि।
तो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत इसको यांत्रिक गामक बुद्धि भी कहा जाता है, यानी वस्तुओं को देखकर समझने का प्रयत्न किया जाता है, वस्तुओं को यांत्रिक यानी वस्तुओं को देखकर यांत्रिक रूप से चलाना, यांत्रिक गामक यानी उसको देखकर कार्य करने की शक्ति पैदा होती है, उसको हम बोलते हैं मूर्त बुद्धि। यानी मूर्त बुद्धि के द्वारा हम वास्तव में यह बुद्धि जो होती है यंत्रों तथा मशीनों के साथ अनुकूल योग्यता को दर्शाती है। इस बुद्धि के होने से जो व्यक्ति होता है वह कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर इत्यादियों की श्रेणी में वो आता है। इस बुद्धि के होने से कोई व्यक्ति ठीक प्रकार से यांत्रिक रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को कार चलाना आता है, सीखना है, साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, यानी यंत्र के द्वारा हम किसी चीज को जब देखते हैं तो वो लगता है कि हम इसको ठीक प्रकार से कर पाएंगे। खेलकूद, शतरंज खेलना, पत्ते खेलना, ये जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अमूर्त मूर्त बुद्धि की श्रेणी में आती हैं। थर्ड पॉइंट है सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि है, बुद्धि की योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने को समाज के अनुकूल समायोजित करता है। यानी सामाजिक बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने आप को समाज में समायोजित करने की क्षमता रखता है। यानी एक व्यक्ति जो होते हैं वो झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी बातों को मानने के लिए होते हैं, लेकिन हमें जब अपना काम निकालना होता है या अपने आचरण को दर्शाना होता है तो कहीं ना कहीं बुद्धि की योग्यता ही काम आती है। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि की योग्यता जितनी श्रेष्ठ होगी वह व्यक्ति समाज में अपने आप को ठीक प्रकार से समायोजित करने में सक्षम होगा, या यूं कह लें कि समाज के अनुकूल अपने आप को वह ढालने में सक्षम होगा, और वही व्यक्ति सामाजिक रूप से वृद्धि कर सकता है। क्योंकि जब हम अपने आप को समाज में व्यवस्थित कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमें कोई व्यवधान भी नहीं आता। हमारा मस्तिष्क अगर दूसरे प्रकार की बाधाओं और समस्याओं से दूर होगा तो कहीं ना कहीं उस बुद्धि का प्रयोग हम अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं, उस समय को हम उपयोग में ला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक बुद्धि है वह कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ चलने का गुण रखती है। सामाजिक बुद्धि दूसरों लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, उनसे मिलजुल कर रहना, विकास के कार्यों में हाथ बटाना तथा सामाजिक कार्यों में रुचि लेकर उन कार्यों को संपन्न करना जिससे समाज का हित हो। यानी सामाजिक बुद्धि जो है इन दोनों का एक तरह से प्रतिफल है। इस बुद्धि से व्यक्ति का व्यवहार में कौशल आता है, बुद्धि क्षमता बढ़ती है और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक बुद्धि का होना अति आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति जो है, मानव जो है, वह एक सामाजिक प्राणी है, उसको अपने आप को सर्वाइव करना पड़ता है इस समाज में, इसलिए उसकी बुद्धि समाज के अनुकूल होनी चाहिए जिससे कि अपने आप को आसानी से समायोजित कर सके। अब बात आती है कि बुद्धि को किस प्रकार से माप सकते हैं। कभी कभी बात आती है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का है या उसकी बुद्धि किस प्रकार की है या बुद्धि में किस प्रकार का श्रेष्ठ है। तो इसका कथन यह है कि बुद्धि लब्धि से तात्पर्य, इसलिए विनय और साइमन, नोट कर लीजिए, विनय और साइमन ने मानसिक आयु का विचार प्रस्तुत किया। विनय और साइमन ने मानसिक आयु का विचार प्रस्तुत किया और उन्होंने इस बात को रखा कि एक बच्चे की वर्ष 5 वर्ष रखी और उसको 7th क्लास के सवाल को, समस्याओं को हल करने के लिया, तो उस व्यक्ति, उस बालक ने आसानी से उसको हल कर लिया। यानी जो 5 वर्ष का बालक है उसकी जो मानसिक योग्यता है या बुद्धि लब्धि है
वो 7 क्लास या 7 वर्ष के बच्चे के बराबर है। अब मान लीजिए कि 7 वर्ष का बच्चा अगर 5वें क्लास की समस्या या सवाल को नहीं हल कर पाता है तो उसकी मानसिक आयु कम है, मतलब या मंद बुद्धि का है या मूर्ख है, ऐसा नहीं है। उसकी मानसिक आयु या बुद्धि लब्धि कम हो सकती है क्योंकि उसने बुद्धि का ठीक से प्रयोग नहीं किया, यानी बुद्धि का जो मापन है वो कहीं ना कहीं हम बुद्धि लब्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो आइए इस विषय में एक सवाल ले लेते हैं। इसका सवाल है, नोट कर लीजिए, आप भी करिए मेरे साथ। मान लीजिए कि एक बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, एक बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि प्राप्त करिए, इसकी बुद्धि लब्धि बताइए। फिर से नोट करिए, मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो इसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करिए। तो ये आपका न्यूमेरिक है, बुद्धि लब्धि इजिकल टू मानसिक आयु मेंटल एज बटे शारीरिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। यानी इसको हम निकालते हैं तो IQ इजिकल टू कितना था, 10 वर्ष बटे वास्तविक आयु कितनी थी उसकी, 8 वर्ष इंटू 100, तो 4 2 8 और 4 2 8 2 और 4 5 जा, अब इससे कट करते हैं, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 125। यानी उसकी जो बुद्धि लब्धि है वह कहीं ना कहीं अति श्रेष्ठ की श्रेणी में आएगी, 120 से 140 अति श्रेष्ठ। तो इसी आधार पर बिने और साइमन ने एक चार्ट बनाया बुद्धि लब्धि और बुद्धि प्रकार के बारे में, यानी जिस व्यक्ति की या जिस बालक की आईक्यू इस तरह की होगी उसके बुद्धि का जो मापन है वो इस प्रकार से होगा, यानी जो 140 से अधिक आएगी आईक्यू तो वो होगा प्रतिभाशाली, जब उसकी आईक्यू 120 से 140 में आएगी तो वो अति श्रेष्ठ की श्रेणी में आएगा, जब उसकी आईक्यू 110 से 120 में आएगी तो श्रेष्ठ की श्रेणी में आएगा, जब उसकी आईक्यू 90 से 110 में आएगी तो सामान्य बुद्धि में आएगा, जब उसकी आईक्यू 80 से 90 के बीच में आएगा मंद बुद्धि कहलाएगा, जब उसकी आईक्यू 70 से 80 में आएगी क्षीण बुद्धि कहलाएगा, जब उसकी आयु 70 से कम होगी निश्चित क्षीण बुद्धि कहलाएगा, 50 से 70 में अल्प बुद्धि कहलाएगा, 25 से 50 में मूर्ख कहलाएगा और 20 से 25 से कम में महामूर्ख कहलाएगा। यानी कहीं ना कहीं जो 125 की श्रेणी है, यानी जो बालक 8 वर्ष का है यानी वो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है आईक्यू में, उसका जो आईक्यू का लेवल है यानी जो बुद्धि का लेवल है, जो समस्याओं को हल करने का लेवल है, जो कठिनाइयों से निकलने का लेवल है, वो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ है औरों की अपेक्षा, यानी किसी न किसी प्रकार से वो अपनी कठिनाइयों को आसानी से सिद्ध कर लेता है, पा लेता अपने अचीवमेंट को, किसी अधिगम को आसानी से सीख लेता है। तो हम कह सकते हैं कि विनय और साइमन ने इस प्रकार से उन्होंने बुद्धि लब्धि का जो चार्ट दिया या जिस प्रकार से बुद्धि लब्धि बताया उससे कहीं ना कहीं बुद्धि की श्रेष्ठता सिद्ध करने में या निकालने में कहीं ना कहीं आसानी होती है। तो इसको नोट कर लीजिए चार्ट को। और एक बात ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आएगा आपका, और इस चैप्टर को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये चैप्टर
जो आपका है बुद्धि का, वो बहुत ही स्पेशल चैप्टर है आपके लिए। ये आपके लाइफ में अगर आप बीएड करते हैं उसके लिए भी काम आएगा, आप कहीं जाके पढ़ाते हैं उसमें काम आएगा, आप किसी की बुद्धि लब्धि को निकालना चाहते हैं खुद से उसमें काम आएगा, और टीईटी की तैयारी के पर्पज से बहुत अच्छा है ये, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि एक बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है। अगर वो नहीं आएगा तो आपके सामने ये जरूर आएगा कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है। कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं, देखा होगा आपने, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया होता है, उसमें कुछ अंतर दे दिया हो जाता और बता पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू इक्वल टू क्या होगी, यानी सीधा सा है एम अबान सी गुड़े ए 100। तो बहुत इजी है, आप इसको नोट कर लीजिए। और अगली क्लास में मैं आपको बुद्धि परीक्षण के बारे में बताऊंगा कि बुद्धि परीक्षण क्या है और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।